हाय दोस्तों, माय नेम इज मुनव्वर फारूकी और आप मुझे देख रहे हो फिल्म कंपेनियन लोकल पे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू रोहिणी। लॉकअप से बाहर निकलकर जो पहला मीडिया इंटरव्यू है वो मेरे साथ तो होना ही था और इसके पीछे हिस्ट्री है। मुनव्वर फारूकी, वेलकम टू फिल्म कंपेनियन लोकल। कैसे हो? थैंक यू सो मच रोहिणी, तुम कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन थोड़ी सी अपने ऑडियंस को बताते हैं कि जद्दोजहद क्या रही है, कब से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिले एक बार, राइट? हम ऐसे मिले हैं कि हमें इंटरव्यू करना था साथ में और मैंने इनको बोला कि आप शो देखने आ जाओ और वो मेरा शो देखना है। शो के बाद फिर मैं बोला कि अब बाद में इंटरव्यू करते हैं। कभी वो फ्री नहीं थे तो कब ज़्यादा टाइम मैं ही फ्री नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दो तीन बार ऐसा प्लान बना और फिर कोविड वगैरह भी, कभी रिस्ट्रिक्शन होता था तो हमें कभी प्लेस का इशू, तो फिर एक टाइम आया कि मैं चला गया लॉकअप के अंदर। ओह माय गॉड! और जब मुझे वो न्यूज़ आई मैंने कहा अब तो गए। अब बाहर आने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू इनके साथ है, मतलब और इसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो। मतलब आपके पास 10 सवाल थे, अभी 20 होंगे शायद। ताली, फैंटास्टिक। मुनव्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वो डोंगरी में जो एंट्री मारी है गाड़ी के साथ भाई ने, डोंगरी इज रियली प्राउड। वेरी। तुम कितना प्राउड फील कर रहे हो? मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और डोंगरी भी कर रहा है, और मैं सबसे ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डोंगरी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, और अगर कोई डोंगरी को कोई और वजह से अगर जानता भी होगा तो शायद अब वो मुनव्वर की वजह से जाने जानता है। तो अब डोंगरी ऐसा है कि डोंगरी से स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आते हैं, रैपर भी आते हैं, डोंगरी ये भी सब प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल। तो बहुत प्राउड फीलिंग है, डोंगरी नहीं पूरे हर जगह से। मैं गुजरात से हूँ, मेरे सिटी से हूँ जूनागढ़ से, तो मुझे सारी प्राउड फीलिंग है कि ये सारी सिटीज़ ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, और ख़ास करके मुंबई ने। मुंबई ने जो पिछले 15 साल में दिया है वो आई मीन वही है सपनों का शहर, इसीलिए कहते हैं शहर। बिल्कुल बिल्कुल, एक सपनों का शहर जहाँ पर मेरा प्रॉब्लम हमेशा है कि कोई सो नहीं पाता यहाँ पे। इसीलिए तो तुम सोओगे तो सपने नहीं पूरे कर पाओगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यू नो आई रिमेम्बर दिस एंड आई एम अ कॉमेडी फैन, राइट? मैं तुम्हारी लॉकअप वाली फैन नहीं हूँ, है ना? मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ, पहले से तुम्हारे वीडियोज देखे, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ हम वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहे हैं, एंड वी होप्ड एंड विश्ड वेल फॉर यू, राइट? यस आई नो। एंड आई वांट टू टेक यू बैक, जब लॉकअप का अनाउंसमेंट हुआ था, आई विल टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत सारे ऐसे वाले फैंस थे जिनको एक शॉक लगा था कि भाई क्या कर रहे हैं मुनव्वर, तुम क्यों जा रहे हो? लेकिन उस टाइम पर बात करने का मौका मिला नहीं था क्योंकि तुम्हें जाना था सीधे लॉकअप के अंदर। आज मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि उस टाइम पर जब तुमने ये डिसीजन लिया था, वॉज इट मेट एंड फेस विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म? डिसीजन सही था ना? वो कब प्रूफ हुआ? 72 दिन के बाद। जी हाँ, वो लोग जो बोल रहे थे क्या कर रहा है, दे आर लाइक यार क्या कर रही है, तो ये चेंज हो गया। जी हाँ। और कभी कभी होता है कुछ चीज़ों का जवाब ही वक्त दे पाता है। आप हर चीज़ का जवाब उस वक्त नहीं दे पाते, और अगर आप, मैं उस वक्त ये जवाब दे भी देता कि यार मैं तो अपनी बात रखने जा रहा हूँ, मैं आप ये देखो ना कि आप मुझे पसंद करते हो तो मैं आपके फ़ोन में 24/7 रहूँगा, आपको ये नहीं दिख रहा। उस वक्त शायद मैं इस तरह के एक्सप्लेनेशन भी देता तो शायद वो ना सुनते। तो मुझे लगता है हर चीज़ का एक वक्त देता है कि उनको पता चला कि वो यार मुनव्वर को रोज़ देख पा रहे, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो मज़ा आ रहा है देखने। तो मैंने वो 72 दिन उनको एंटरटेनमेंट दिया ना, और उसके बाद अगर वो लोग ने कहीं मुझे सपोर्ट किया होगा, डिफेंड किया होगा, तो उनके लिए भी ये प्राउड मोमेंट होगा कि यार जीत क्या है भाई। तो मुझे लगता है कि वो वक्त ने वो जवाब दे दिया कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि व्हाई यू डूइंग दिस, तो दिस इज़ द आंसर कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिले काम करने की, लोगों को एंटरटेन करने की, तो उसमें रुकने की जरूरत नहीं। अमेजिंग। एंड द विक्ट्री इज मेकिंग इट स्वीटर, राइट? यस। हां, क्योंकि आई नो कि इंटेंशन सही हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर इज्जत के साथ बाहर आया, इज्जत के साथ बाहर और ज्यादा इज्जत के साथ बाहर आना वो मैटर करता, ये लिखा होगा खुदा ने नसीब में, तो इसलिए वो डिसीजन भी लिया। मैंने खुद सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट कहीं से अंदर से लगता है कि नहीं करते। मुझे वो विक्ट्री का मोमेंट याद है जहाँ पर तुम और पायल, तुम दोनों अलग अलग लॉकअप्स में फंसे थे और एक जो है खुलता विद द विनर। How did that moment feel? Let's go back to that moment. कैसा था वो moment? लगा था कि तुम जीतने वाले हो? ये जो pressure है ना, जो लोग बोलते हैं कि तू मेरा favorite है, तू ही मचा रहा है, तू ही जीतेगा, तू जीतेगा, इस तरह का जो एक pressure है ना, वो pressure आपको और परेशान कर देता है कि आपने मेहनत तो की है पूरी,
और साथ साथ में अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बहुत है, ठीक है, तो आप एक टाइटल तक पहुंच चुके हो और आप कहीं ना कहीं जानते हो कि आप डिजर्विंग हो. मैं सेल्फ अवेयर बहुत हूँ, मैं एकदम डिनाइल में नहीं रहता बाकी लोगों की तरह, तो मैं डिनाइल में बिल्कुल नहीं था. कौन है ये बाकी लोग? जो डिनाइल में रहते. तो मैं डिनाइल में नहीं रहता, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे लगता था कि नहीं, कि अगर मैं नहीं तो ये तो बिल्कुल नहीं. ओह नाइस, ओके, इट्स लाइक, बिल्कुल समझ गए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ, बट आई नो मैं तुझसे बेहतर हूँ. और ये जो शो भी है वो एक बेहतर इंसान के बारे में ही था. तो आई थिंक मैं इस तरह कंपैरिजन कर सकता हूँ, अगर मैं जीता हूँ तो डेफिनेटली उतना फ्लैक्स तो बनता है. बिल्कुल बनता है. और यू नो आई रिमेम्बर योर वीडियोस एंटरटेन्ड अस फ्रॉम द लॉकअप. मुझे वो वाला वीडियो याद है, आई थिंक वो क्लिप वायरल हुआ है, जहाँ पर तुम बोलते हो तुम लेटे हो बड़े आराम से और तुम बोल रहे हो यार सिक्स पैक तो अपन को भी चाहिए, खाचा यहाँ पर खाचा यहाँ पर, लेकिन बिरयानी नहीं छूटती. ये बोलते ना वो यहाँ पे खाचा नहीं आता था, यहाँ पे ऐसा खाचा आना चाहिए इधर, और साइड से एकदम गायब ऐसा वी शेप. अपने से ना बिरयानी के बिना नहीं रहा जाता. मंचाउ सूप और फ्रेंच फ्राइज तो मैं खाऊंगा, बिरयानी नहीं छूटती. आई लव दैट, आई लव दैट मोमेंट. एंड व्हाट आई थॉट फ्रॉम दैट वाज दैट एक इंसान जब एक रियलिटी शो पर जाता है, ऑनेस्टली वो अपना सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सेल्फ जब लोगों को दिखाता है तभी ही वो जीत सकता है. इस ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंचने में तुम्हें कभी दिक्कत हुई इस शो पर? कब हुआ वो मोमेंट? मैं स्टार्ट से पहले दिन से भाई, पहले दिन से. I mean, मैं लाइफ में भी ऐसी हूँ कि दोस्तों के अराउंड भी मैं इसी तरह रहता हूँ, और यही है कि वहां जाके मुझे बस मजे करने थे और गेम खेलना था कि कौन क्या कर रहा है, गेम इसको कैसे खेलना है. पहले एक दो दिन समझने में लगा, ये जब सब सेलिब्रिटीज थे जो भी थे सबको पहली बार जब समझा तो भाई पहले दिन ही ये फील आया कि अरे ठीक है लोग को देख लेंगे लोग को, तो वो खुशी आई थोड़ी. No, it was great. It was absolutely fantastic. You played well. Uh-huh. In fact, it was not based just on voting as well. Yes. Voting एक हिस्सा था इस शो के विजयी का, लेकिन उसके साथ साथ एक decision भी लिया गया था. And let's talk about the decision, right? Deciding factors कौन थे? Okay, एक एकता कपूर, who I absolutely adore for the amount of content that she brings out, which is cutting edge, right? No doubt. एक तो, but दूसरी जो थी, वो थी कंगना रनौत. Yes. Now this fascinates me, Munawar. When you do an interview, आप अपने आप से पूछते हो ना कि आप ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? मैं इंटरव्यू इसीलिए कर रही हूँ. How did you manage to crack Kangana Ranaut? मतलब ऐसा कैसे हो गया? वही होता है, पहले वो बहुत प्रोफेशनल है, उन्होंने जो चीज़ें एक आइडियाज़ होते हैं वो अपने रखे, दूसरों के आइडिया की भी रिस्पेक्ट करना अगर आप जानते हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है एक साथ काम करना. तो मुझे जो चीज़ें लगी थी वो चीज़ें वहाँ नहीं हुई, इट वॉज़ वेरी स्मूथ. और अदरवाइज जहाँ तक डिसीजंस की बात है तो यही होता है कि यार जो आपको जो फैंस होते हैं ना, आप कुछ भी करो ना वो आपको सपोर्ट करते डिफेंड करते. जो आपको पसंद नहीं करते ना उनको खुद को पसंद करवाना इट्स लाइक अ चैलेंज. ये मुश्किल चीज़ है. तो अपन मुश्किल वाला कांड कर दिए कि मुश्किल था बट नामुमकिन तो नहीं है ना. तो उस इंसान को भी अगर मेरे आइडिया ओपिनियन साइड में रख के एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा हूँ ना, मेरा आइडिया तो 10% होंगे, 90% तो मेरी लाइफ है ना. मैं रियल पर्सन हूँ, मेरे आइडिया आइडियोलॉजी है ओपिनियन है वो 10% ही है, 90% तो मैं एक इंसान हूँ. अब वो 90% में से तुम्हारे को 60-70% भी पसंद आ गया तो मैं जीत गया ना. बिल्कुल. तो वही है, उनको वही दिखा. और ऑडियंस जो 3 गुना ऑडियंस जब हो गई, मैं जब गया कि 9 लाख का 2.9 लाख है, तो आई अंडरस्टैंड क्योंकि ये 3 गुना क्यों हुआ है. 3 गुना इसीलिए हुआ है क्योंकि वो लोग मुझे एज अ कमेडियन स्टेज पे 10 मिनट का जो यूट्यूब स्टैंड अप वीडियो के अलावा देख पाए, मुझे एज अ रियल पर्सन. तो अभी वो मुझे उस वे में पसंद करते, प्यार करते, कि वो लोग समझते कि हाँ अगर इसका कुछ ओपिनियन भी होगा तो ये इसके कहने का तरीका सही होगा, किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होगा. तो आई थिंक यही चीज़ की वजह से उन्हें लगा कि मैंने बहुत ईमानदारी से जो 72 दिन वहाँ पर गुजारे, तो बहुत ईमानदारी से अपनी गेम खेली और बहुत ईमानदारी से अपने आप को, मतलब बोलते ना पूरा दे दिया था गेम को, कि मैंने सौंप दिया था. मैंने कभी नहीं देखा मेरे को क्या टूट रहा हूँ, मैं कहाँ से गिर रहा हूँ, मुझे क्या इंजरी हो रही है. मैंने उसकी कभी फिक्र नहीं की और मैंने वो चीज़ वैसे करी. रमज़ान था 30 दिन और मैंने एक भी रोज़ा नहीं मिस किया, मैं 300 दिन तक फास्ट कर रहा था. उस फास्ट में भी मैंने शो को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि जस्ट बिकॉज आई एम फास्टिंग मैं ये टास्क नहीं करूँगा या मैं क्यों करूँ.
एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द शो मैंने मेरे फेथ को भी एज अ ग्रांटेड नहीं लिया कि वो मैं यहाँ पे टास्क कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ तो मैं रोजे छोड़ देता हूँ. तो ये दोनों चीज़ को जो पकड़ के रखा था, तो शायद इस चीज़ ने मुझे हेल्प किया कि जो मैं अचीव कर पाया. नो आई एम स्टिल फैसिनेटेड विद कंगना, राइट? लाइक आई जस्ट फील दैट तुमने ये कहा कि 10% ऑफ मी इज़ माई आइडियोलॉजी, 90% ऑफ मी इज़ हु आई एम एज अ पर्सन. लेकिन अक्सर हम लोगों का 10% उनके 100% बना देते हैं ना. बिल्कुल, वो डिपेंड करता है ना कि सामने वाला इंसान कितना समझदार है. मैं तो 1% भी लोग, मेरा 10% क्या 1% भी होगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी. बिल्कुल, क्या आज की तारीख में सबको यही चाहिए कि किसी का ओपिनियन ही ना हो, खुद का हो. मतलब लोग अपना ओपिनियन रख देते हैं बट दूसरों का ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते. और ये इंटरनेट ऐसा बन चुका है, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए होता था एक वक्त में, अब इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ एक हैशटैग हेट है. हेट बहुत बिकता है इंटरनेट पे. हमें खुद को भी पसंद है एक्शन मूवीज देखना. हम खुद थिएटर से बाहर आके बोलते हैं कि यार क्या एक्शन मूवी थी, एकदम रियल लग रहा था. यू नो कि वो रियल नहीं है, बट आपको जब रियल दिखता है तो मज़ा आता है. तो रियल झगड़े सबको ही पसंद है, तो हमें जस्ट बिकॉज पसंद है कुछ लोगों को तो उसमें हेट बिकता है, और उस हेट के चक्कर में जिसपे होता है वो पिस जाता है बेचारा. It was very bold or brave of you to do a show which in some way could look like a parody of what you have gone through. Yeah. I mean, yeah, ye baat samajh aani chahiye logo. Yeah. Personally, jab is tarah ka show jab aaya aur unhone concept bataya, to I was like, yaar, just because of that they are calling me. Okay? Ki isliye mere ko bula rahi hai wo. But what's wrong in that? What's wrong in that? अगर कोई एक क्रिएटिव इंसान जो दिमाग लगा के कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हज़ारों लोगों की रोजी रोटी के लिए, कि हज़ारों लोगों का घर चला होगा ना लॉकअप से, 300 लोग तो सेट पे रहते होंगे पीछे, और रहते ही थे हर कैमरा के पीछे. तो वो लोग जो 2-2.5 साल से पैंडेमिक में परेशान हुए हुए, जो कर्जे में डूबे हुए, जिनके भाड़े बाकी है, हज़ारों लोगों का काम शुरू करने के लिए अगर किसी खोपड़ी के दिमाग में आया है कि भाई जेल पे कॉन्सेप्ट पे शो बनाते और जितने भी मुजरिम हैं उनको बुलाते और शो बनाते, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वो अपनी जगह तो कितना सही है, मेरे लिए ट्रॉमा है और उसके लिए कंटेंट है. बट तुम अपने ट्रॉमा को कैसे साइड पे रख सकते हो मुनावर, ये मुझे जानना है. क्योंकि द रीजन इस चीज़ों को साइड में लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको पकड़ के रखती है, रोक के रखती है. आप या तो इसको वजन के साथ उठा के आगे भागो, स्लो भागोगे बट भागो, या फिर उसको लेके उसको उतारने की कोशिश करो और वही वक्त गुजार लो. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बस मैं उसको लेके चलता हूँ जेब में. तो वो जेब में है, वो चलते रहता है साथ में. तो आई डोंट थिंक के काम रुकना चाहिए. तो वो एक बैग नहीं, वो एक बैकपैक नहीं, वो एक वॉलेट बन चुका है. वो है तो बहुत ही वजनदार बट अपनी जेब बड़ी हो गई, बर्दाश्त कर लेगी, बर्दाश्त हो गई. ओह माय गॉड, आई रिमेम्बर तुम्हारा एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो था जब तुमने कहा था कि तुम स्टैंड अप कॉमेडी क्विट करना चाहते हो. और वो दो चीज़ों पर बात कर रहा था. एक था कलाकार और दूसरी थी क्रांति, कि कलाकार क्रांति नहीं ला पाया. एंड उस दिन आई रिमेंबर पोस्टिंग अबाउट इट सेइंग दैट नो मुनावर वी विथ यू बिकॉज वी लिव दैट विथ यू. वो बहुत इम्पल्सिव था उस वक्त, कि फील हुआ कि यार तुम आके शो तो देखो, तुम्हें पता ही नहीं है मैं तो शो पे क्या कर रहा हूँ. तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो और नुकसान करा रहे हो बहुत सारे लोगों का, और मैं इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ ना कि लोग परेशान करें मुझे या मैं. तो मुझे वो चीज़ एक इम्पल्सिव डिसीजन था कि यार बस करता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं ऑडियंस तक पहुँचने का दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा. कि लाइव शोज नहीं करता, बट द सेम टाइम थोड़ी एक आधे घंटे के बाद रियलाइज कि नहीं यार स्टेज के बिना मज़ा थोड़ी आता है. पोस्ट तो कर दिया बट कोई बात नहीं. या बिल्कुल, मैंने आधे घंटे के बाद रियलाइज किया कि नहीं मैं स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ नहीं सकता. और मुझे रिग्रेट भी नहीं है बताने का कि मैंने ये बोल दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो डिसीजन था आधे घंटे पहले, मैंने वो फील किया. एंड अच्छा हुआ मैंने वो कहा था कि लोगों को भी पता चले व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. मैं बता नहीं रहा हूँ 2 महीने से जो हो रहा है कि चलो ठीक है कैंसिल हो गया कोई बात नहीं दूसरा शो डाल दो. तो नहीं बता रहा इसका मतलब ये नहीं वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा, मुझे बहुत परेशान कर रहा है वो. तो वो वक्त था कि जो मैंने वो चीज़ डाली थी. और कलाकार क्रांति से मेरा यही बोलना होता है, कभी कभी लोग मिसजज कर लेते हैं. कंगना से भी एक बार हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं तू गलत बोल रहा है वो, एंड फिर मुझे मौका नहीं मिला क्लियर करने का, बट मैं शायद आज वो कर दूँ. कलाकार क्रांति नहीं लाता, कलाकार बस एक कला
का एक टुकड़ा छोड़ के चला जाता है, एक अपनी बात कह के चला जाता है, वो बात जो जो जनता है ना उसको लगता है कि यार ये तो मेरे दिल की बात बोल के गया। बिल्कुल, ये चीज से तो मैं परेशान हूँ। बिल्कुल, ये चीज तो मुझे पसंद है, ये चीज तो मैं कहना चाहता हूँ, ये चीज तो मैं छुपाना चाहता हूँ। तो कलाकार वो करके जाता है उसके लफ्जों में जो एक आम इंसान नहीं कर पाता। तो जो कलाकार है ना वो तो अपना काम करके चला जाएगा, उसका जो काम है ना वो क्रांति लेके आ जाएगा। बिल्कुल, तो तुम कलाकार क्रांति नहीं ला सकता, बट तुम एक पत्थर हो जो एक पत्थर रख सकते हो या अपनी एक बात कह सकते हो। तो मेरा वही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, कि लोग मुझे याद करके हंस दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो देख के तो बहुत हंसे हैं हम। इस शो के करने के बाद क्या लगता है मुनावर, क्या ये कलाकार इस स्टेज में क्रांति ला पाया है, और किस किस्म की क्रांति लेके आ गया? लेके आ गया, देखो ना कहाँ से जाके ट्रॉफी लेके आए, किन के हाथों से ट्रॉफी लेके आए। तो जो लोग सोचते थे कि इस तरह की मैं चीज़ें करता हूँ, वो लोग भी आज बोलते हैं, मैं इस तरह के मैसेजेस देखता हूँ कि हमने उसने मिसअंडरस्टूड किया, आई यूज टू हेट यू बट नाउ आई लव यू, आई सपोर्ट यू। तो इस तरह के मैसेज जब देखता हूँ तो अमाउंट नहीं देखता, बट मैं ये देखता हूँ कि चलो आज के दिन में मेरे को इस तरह का एक मैसेज भी दिख गया तो मेरा दिन बन गया, खुश हो गया। आई रिमेंबर यू टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ एवरी वन टू हैव देयर लाइवलीहुड, यू नो, एंड आई यूज टू फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हियर इज एन आर्टिस्ट जिनको स्टेट ने अपना लाइवलीहुड कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया था, राइट? एंड हियर यू आर, आज भी जब तुम बात कर रहे हो, आप उन हज़ारों लोगों की बात कर रहे हो जिनके घर चल रहे हैं। टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट दिस, बिकॉज अल्टीमेटली क्या मानते हो तुम कि हर किसी को एक राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए? बिल्कुल। और क्या तुम्हें आज ये करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि अब बाहर निकलने के बाद इस शो की वजह से क्या तुम बेफिक्र होके दोबारा से हम जैसे फैंस को ओरिजिनल अपने स्टैंड अप वाले शोज लाइव वाले दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, लाइव शो जरूर मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग चाहते थे कि मैं शो ना करूँ, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा कि आओ देखो, बैठो और शो देख के जाओ और फिर बताओ कि आपको कितनी हंसी आई और इतना मजा आया, कि आपको रियलाइज होगा कि यार नहीं यार छोकरे को गलत तो समझ रहे थे। सच्ची में बुरा की कहानी एक बार उनको सुना दो यार। तुमने शो देखा है, यू नो द शो, राइट? तो वो जो सोच रहे हैं सब, बट वही सोचता हूँ मैं कि ऊपर वाला जो देता है ना उसका जरिया होता है, अगर आपको दिया है ना तो आपके जरिए से आपके यहाँ पे जो काम करते हैं, हेल्प करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो एक जरिए, एक इंसान की कमाई ना बहुत ज़्यादा घरों तक पहुँचती है। और जब इस तरह के शोज होते हैं, बड़े ऑडिटोरियम शोज जो मेरे सारे कैंसिल हुए, वो शो में ड्राइवर, लाइटमैन, ऑडियो टीम, वॉलंटियर्स जो कॉलेज जो दूसरी सिटी में रहते हैं बट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई वॉलंटियर जाना है, 15 लड़के चाहिए, तो लोग अपने हॉस्टल की फीस वीस भर पाते पार्ट टाइम वाइट टाइम करके, इस तरह के लोग आते हैं वॉलंटियर करने। प्लस वो ऑडिटोरियम का रेंट, 2-2.5 साल पेंडेमिक में ये सारी चीज़ें बंद थी, बिल्कुल, उसका रेंट आ रहा है, उसका लाइट बिल आ रहा है, उनके यहाँ पे काम करने वाले सफाई वालों को भी उस दिन 500-500 रुपया मिलता है 5 सफाई वालों को। तो एक बड़ा बिजनेस, जो एक बड़ा ट्रांजेक्शन होने वाला है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन हो रहा है बहुत बड़ा, कि इतने लाख का हो रहा है, टैक्स भी जा रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स जहाँ जाना चाहिए, जिससे हमें सड़क मिल जाएगी बढ़िया वाली चमकती, तो वो जा रहा है, हर इंसान जो वहाँ पे काम कर रहा है उनके हिस्सों में पैसा जा रहा है, एक आर्टिस्ट है जिसकी वजह से ऑडियंस आ रहा है, वो ऑडियंस का आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट ने कमाया वो ऑडियंस का, आर्टिस्ट को पैसा मिल रहा है, अब वो आर्टिस्ट भी खर्च कर रहा है, तो एक साइकिल है बहुत बढ़िया खूबसूरत कमाई वाला। तो यही तो है कि तुम धंधा कैसे रोक सकते हो, काम धंधा किसी का कैसे रोक सकते हो? I'm sorry, I'm gonna smile at this because कहीं ना कहीं जब तुम ये बोल रहे थे, you know, I don't think of people as तमिलियन या गुजराती, लेकिन ये जो बात तुमने कही ना, यहाँ से मुझे सिर्फ गुजराती नजर आया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब काम धंधा किसी का कैसे रोक सकते हो यार, तो बहुत लोगों की रोजी चलती है, और बहुत सारे ऐसा भी है ना कि ये एक साइकिल है ना, हम लोग का इंडिया का GDP भी अगर है तो ये सब चीज़ों पे चलेगा ना, हम जितना सारी चीज़ें इवेंट्स होंगे ये होंगे, और पिछले पेंडेमिक में बहुत हालत ख़राब है। तो आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज कुछ पॉलिटिकल ठसन की वजह से तुम किसी का शो रोक दो कि जिससे तुमको कुछ हासिल नहीं हुआ, तुमको शो बन कर क्या मिला, कुछ भी नहीं। डू यू थिंक दैट इवन टुडे पीपल विल नॉट हैव, अब शो के बाद बिल्कुल लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी मुनावर फारूकी से? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ होना चाहिए, उन्हें पता चल गया होगा अभी तक शायद कि आई एम नॉट दैट पर्सन जो ये करे, और अभी अगर हम करेंगे भी तो
बहुत ईमानदारी से काम करेंगे कि जो जिनको लगता है कि ये गलत इंसान है, गलत बात बोलता है, तो एज अ आर्टिस्ट, एज अ आप भी अपनी लाइफ में एज अ आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर इम्प्रूव होते हो ना, तो मैं भी वो लेवल तक पहुंच चुका हूं कि दैट आई नो कि ओके क्या नहीं कहना है, क्या चीज़ें लोगों को हर्ट कर सकती है, तो मैं उस चीज़ का ख्याल रखूँगा और आप डेमोक्रेसी का ख्याल रख लो। शो की वजह से देयर इज अ फैन फॉलोइंग मेन एंड वुमेन, एंड देन यू कम आउट द शो एंड देन यू पुट अ पिक्चर विद दिस रियली प्रीटी गर्ल, द वुमेन आर लाइक व्हाट द हेल मुनावर, क्या कहोगे फीमेल फैंस से? फीमेल फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ये तो चलते रहता है, अभी तुम क्यूट शक्ल ही तो ठीक, जोक भी तो अच्छा है। अच्छा अभी अभी जोक भी सुन लेना। अच्छा। अभी तक उन लोग जोक पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, नाउ दे कैन से कि यार इसकी कॉमेडी के फैन हम। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यूट शक्ल के लोग भी फैन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हो सकते हैं, वो अपसेट है कि मुनावर पर भी दे आर नॉट अपसेट, दे आर लाइक यार ये क्या है भाई, वो भाई नहीं मतलब जो लड़कियां भी है कि यार दिल टूट गया, अच्छे में बोल दिए लड़कियां भी कि हमारा तो दिल टूट गया आज, तो ये हो गया, कोई नहीं बर्दाश्त कर लेंगे, वो तो वो एक बहुत स्वीट अंडरस्टैंडिंग, फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत एक स्वीट कनेक्शन है, तो आई डोंट थिंक कि उससे इस चीज पे इफेक्ट होगा। ऑल आई एम सेइंग, और बड़े ऑल आई एम सेइंग इज दैट दैट वाज द इंपैक्ट, बिकॉज़ मैंने जाके कमेंट्स पढ़े उसके नीचे और मैंने देखा मतलब हिंदुस्तान में, आई ऑलवेज प्रोटेक्टेड फैमिली फ्रेंड्स फ्रॉम सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द हेट आई वॉज गेटिंग एट द टाइम, मुझे डर लगता था लाइक कि फैमिली, एक बार हो चुका है बहन को इस तरह के मैसेज आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोज थे, तो मैंने वो डिलीट कर दिए थे, फिर डर लगता था कि फैमिली को कभी बर्थडे विश नहीं करता था अपनी सोशल मीडिया पे इस तरह का, कभी फोटो नहीं डालता था ये वो, बट जब मैं लॉकअप से बाहर आया, लॉकअप में ही मैं ये चीज़ फील करता था, और ये चीज़ एक शो से आपने फील करी ना कि यार थोड़ा तो दुनिया में ऐसा वो रहना पड़ेगा, अपन किस चीज़ों से डरेंगे, हम किसी चीज़ से नहीं डरते, बट अपनी अगर कमज़ोरी अपनी फैमिली है तो इसको ताकत क्यों नहीं बनाते अपन। तो मैंने शो में अपनी बहन का नाम भी लिया और उसने चिट्ठी भी मुझे भेजी थी, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि जब मैं बाहर आया और मैंने देखा लोगों का इतना प्यार कि लोगों के ओपिनियन सच में चेंज हुए, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके फाइनली आई कैन बी थोड़ा वोकल अबाउट माय पर्सनल लाइफ, ये वो जो चीज़ें एक इंसान है जो डिज़र्व नहीं करता कि कहीं सीक्रेटली रहे वो, उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन है कोई रिश्ते से और उसकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ फील करे, तो आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट डूइंग इट, सो आई डिड दैट एंड या इट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द मुनावर फारूकी आई नो एंड फॉलो, एंड आई सेड आई मस्ट आस्क यू दिस बिकॉज ये एक इंटरनल चेंज के बगैर नहीं होता, हो पाता नहीं, ये वही है कि एक रियलाइजेशन वहाँ पे रहने पे कि आप जब लोगों से बहुत दूर रहते हो तो आपको उनकी वैल्यू और आपको उनकी जो आपकी लाइफ में अहमियत है वो पता चलती है, तो मैं भी लाइफ में मेरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, बट दो लोग हैं जिनके लिए शायद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अपनी लाइफ उनके लिए जीना चाहता हूँ और मेरी लाइफ जीने की वजह से उनको फ़ायदा हो। आई नो इट्स अ गुड फेज एंड टच वुड एंड मे इट ऑलवेज बी गुड, बट व्हाट आई लुक एट यू आई डोंट नो व्हाई यू नो, तो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूँ ही कोई दिल लुभाता नहीं, आई फील दैट वे, इतना देखा है ओके जितना आज जितनी आज मोहब्बत मिल रही है उससे कई ज़्यादा शायद हम देखे हैं, आज जब ये मोहब्बत मिल रही है तो क्योंकि वो हम देखे हैं, तो क्या लगता है क्या ये मोहब्बत एंजॉय कर पाते हो, तुम्हें लगता है कि ये सब टेम्प्रेरी है, फिलोसॉफिकली तुम ये फेस को कैसे देखते हो? टेम्प्रेरी मानना बहुत अच्छी बात है, टेम्प्रेरी मानना बुरी बात नहीं है, टेम्प्रेरी मानना आपको डराता है, आपको आपके अंदर दिल में ना खौफ रखता है खुदा का, और आई थिंक जिसके दिल में खौफ है ना ऊपर वाले का, वो इंसान कभी जालिम नहीं हो सकता, वो जुल्म नहीं कर सकता किसी पे, और अगर आप जुल्म नहीं कर रहे हो और ऊपर वाले का खौफ है दिल में, तो ऊपर वाला आपके लिए बेहतर ही करेगा और वो स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि वो दौर से तो गुजर ही चुके हैं, तो कभी ये स्ट्रेस नहीं आता है, बट ये जो सारी खुशी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मैटर करती है, और जो गम है वो तो गम है ही, मैंने जैसे कहा जेब में लेके चलना ही है उसको, बट जो खुशी मिल रही है वो उनको नहीं दिख, जो जेब में है वो उनको गम मत दिखने दो, उनको खुशी उनसे ले लो और उनको दे दो, अपनी जेब में जो है अपनी जेब में ही रहने दो, अपनी जेब में। हाँ बिल्कुल, व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू यूज दिस फॉर, यू नो अक्सर कहते हैं कि जब लाइमलाइट में होता है ना तो भाई अभी ना टाइम है खेल लेने का, तुम्हें ऐसा लगता है कि काम 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 करना क्या करना है,
क्वालिटी हीरो बन सकते हो तुम अभी। मैं ऑल हां मतलब हो साइड हीरो का दोस्त, मैं अंदर लॉकअप ही बोला था, मेरे को हीरो के दोस्त का रोल दे देना वो भी चलेगा मेरे को। खाली ऐसा छोटा सीन भी रहेगा ना कि भाई भाई माल पकड़े गया, इतना बत बोल के आ जाऊंगा बस। अच्छा जस्ट फॉर अ सेकंड, क्योंकि हम फिल्म कंपेनियन पर हैं, अगर ये बोलना ही होता तो हीरो कौन आना चाहिए? कोई भी रहे, जॉन अब्राहम रहे, ऋतिक रोशन रहे, रणवीर सिंह रहे, भाग क्या रहा भाई माल पकड़े गया, और वो ऐसे रिएक्ट करे, मैं बोला हाँ बस इतना भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, आई डोंट माइंड इतना रोल भी मेरे को मिले तो। There is an entire community that is the fan of Munawar the writer and Munawar the rapper and the singer. ये वाले जो गाने हैं आंसर देंगे कि नहीं हमको? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ऑलवेज स्ट्रॉन्ग राइटिंग पे बिलीव करता हूँ, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी टाइट मटीरियल पे बिलीव करता हूँ, तो उस वजह से मेरा जो लिखना है वही है जो मेन है, तो मुझे लगता है कि मैं उसी वे में उसी दिशा में ही टाइट मटीरियल के उसमें ही काम करूँगा, कि मैं कोई भी काम करूँगा वो चाहे रैप हो, वो म्यूज़िक हो, कॉमेडी हो, या कोई स्केच कॉमेडी वीडियो हो, या आगे जाके मैं कोई राइटिंग का प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, जैसे कुछ मूवी बनाना हो, वेब सीरीज जो भी बनाना, तो आई विल मेक श्योर कि वो इतना टाइट हो, इतना टाइट मटेरियल हो कि लोग जब उसको देखे तो उनको लगे कि ओके दिस इज समथिंग वी वांट टू शेयर। शेयर या एंड क्रांति तो बनती रहेगी, होती रहेगी, बिल्कुल। या दैट्स व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम यू मुनव्वर, थैंक यू सो मच। You're most welcome. I mean, I really waited a long time to talk to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और finally हम लोग मिले, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much.